कमल मुझे पैकिंग करने दीजिए, ट्रेन छूट जाएगी आपकी। आपके लिए ट्रेन तो क्या, सब कुछ छोड़ देंगे, बस जाने से पहले एक बार। अरे जिद मत करो, कोई आ जाएगा। सब जग चुके हैं, हाँ तो कोई नहीं आएगा। माँ जी आ जाएंगी। माँ मंदिर गई है। अरे कहाँ चले गए सब? हमारे? अरे कोई पानी तो पिला दो। मालती? अरे ओ मालती। कमल माँ जी आ गई हैं। हटो। पता नहीं कमरे में कुंडी लगाकर क्या करते हैं। इतने सालों में एक पोता तो दे नहीं पाए मुझे। माँ जी नाश्ता लगा दूं? अरे नहीं बहू, अभी रहने दे, अभी थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद नाश्ता कर लेती हूँ। ठीक है। माँ। अरे बेटा आ गए। अच्छा मैं चलता हूँ, ट्रेन का टाइम होने वाला है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना। ठीक है? ठीक है। हाँ आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ वैसे आपका ध्यान रखने के लिए मालती है ना? अरे ये महारानी अपना ही ध्यान रख ले काफी है। हाँ ठीक है। अच्छा माँ जी तेरा इतने सारे बैग लेके कहां से आ रही है? हाँ? अरे माँ जी वो कपड़े पुराने हो गए थे ना, तो सोचा कि नए खरीद लूं, बस शॉपिंग कर ली। वाह कपड़े पे कपड़े बदलो बस। और भी कुछ आता है तुझे ये शॉपिंग और घूमने के अलावा? घर का भी कोई काम करती है तू? माँ जी आप कैसी बातें करती रहती हैं, जब जो जी चाहता है आप सुना देती हैं मुझे। जरा आप बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं करती हूँ घर का? ये लो, पति को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अपनी सास से जबान चलाने लगी। ये घूमने सवरने के अलावा और भी कुछ आता है क्या तुझे? क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो तुम भाभी को? देखो ना भाभी कितनी भोली भाली सी है, कुछ नहीं कहती किसी को, और आप होके सुनाई जा रही हो। तू बड़ा आया भाभी का देवर, यूं औरतों के बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। हाँ ओहो भाभी आपको तो पता है ना माँ की आदत, कभी भी कहीं भी गुस्सा कर जाएंगे। भाभी आप भी आराम करिए। जब देखो तब जो जी मैं आप सुना देती हूँ। सच तो ये है कि इन लोगों को मैं डिजर्व ही नहीं करती थी, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी आज इस घर में हाउसवाइफ बनकर रह गई हूँ मैं, कि लायक ना वो गवार भारती ही है। भाभी माँ की बातों से आपको बहुत हर्ट हुआ है ना? भाभी आपने इसे उदास में किया, आपको पता है जब आप स्माइल करती हैं तो दुनिया की सबसे अच्छी भाभी लगती है। बस देवर जी आप ही हैं घर में जो मुझे समझते हैं। मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे
जो तू मेरी बहू बन के आई। बस अब भगवान तेरी कोख में इस खानदान का पोता डाल दे। अच्छा जा, जाके सो जा, मैं भी सो जाती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे वो प्यास बहुत लग रही थी ना, तो पानी पीने गए। ओ, तो मेरे पति को प्यास लग रही है। इतनी हॉट बीवी होते हुए प्यास बुझाने बाहर जाते। तुम्हें तो पता ही ना यार, सुबह ऑफिस जाना है, बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाता। माँ जी, मैंने सुना है यहाँ नवरात्रि में दांडिया धूमधाम से खेली जाती है। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक सुना है। यहाँ पे ना नवरात्रि में दांडिया का बड़ा प्रोग्राम होता है। तो आप भी मुझे दांडिया खेलना सिखा दो ना। अरे पगली, इस उम्र में मैं कहाँ तुझे सिखा पाऊंगी दांडिया। भारती, तुम्हें दांडिया सीखना है ना, आओ चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सच्ची दीदी? हाँ, ये तो वैसे भी नाचने गाने में बड़ी एक्सपर्ट है, ये सिखा देगी तुझे डांडिया, सीख ले इसके पास। एक मिनट दीदी। देखो, स्टार्ट करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप 1, एक पैर पीछे लेकर जाओ अपना। 1। अरे वाह, देवरानी और जेठानी तो मिलकर डांडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ। 1, दोबारा से, ठीक है? अरे ऐसे नहीं होगा। अरे भारती, तुमसे इतना इजी सा स्टेप नहीं हो रहा। रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि डांडिया कैसे खेलते हैं। तुम इधर आओ ना। तो अब देवर जी सिखाएंगे? बिल्कुल। हेलो। अरे अब हर वक्त बात करना या फिर साथ रहना तो पॉसिबल नहीं है ना, शाम तक का तो वेट करना होगा। पूरा दिन बस फोन में घुसी रहती है, किससे बात करती है? अरे माजी, आपके बेटे से और किससे? अरे उसे काम करने दे वहां। ये भगवान, मैं किस काम के लिए आई थी। अरे हाँ, वो जरा अपनी नई साड़ी देना मुझे, वो नीले रंग की। माजी, मैंने तो सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए हैं और अभी तो मेरे पास कोई भी साड़ी नहीं है। तू कभी कुछ देगी भी मुझे? अरे इतने सालों में एक वारिस तो दे नहीं पाई, मैं कब से एक दादी बनने का ख्वाब देख रही हूँ। माजी, हर वक्त मुझे ताने क्यों देती रहती हैं? ताने ना दूं तो क्या करूं? हाँ, अरे गाँव में मेरी सहेली तुझसे भी बाद में बहू लाई थी और देख आज दो दो बेटे पैदा कर दिए उसने, और तू इतने सालों में एक औलाद नहीं पैदा कर पाई। तो आप हर वक्त मेरे ही क्यों पीछे पड़ी रहती हैं? तो ये कहना चाह रही है कि कमी मेरे बेटे में है? अरे हो ही नहीं सकता, वो मेरा बेटा है, मेरा खून, उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। सारी कमी तुझ में है, तुझ में। देखिए माजी, आपको जो कहना है ना अपने बेटे से कहिए, मुझसे नहीं। और मेरे सर में दर्द मत किया कीजिए कह कहकर।
देख रही हूँ बहुत तेज जबान चल रही थी। रुक, अभी उसे कॉल लगाती हूँ जो तुझे यहाँ ब्याह के लाया था। हेलो, हेलो कमल, कमल ये जो तेरी बीवी है ना, ये किसी काम की नहीं है। इसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, कभी भी हाथ से निकल जाएगी। आके संभाल ले इसे। और ये बता, तू घर कब आ रहा है? अरे इस जन्म में मुझे दादी बनाएगा या नहीं? हेलो, हेलो, हेलो कमल, क्या हुआ? मिल गई आपकी कलेजे को ठंडक? यहाँ अभी भी कोई शिकायत करना बाकी है? मैं जाने कौन सी मनहूस घड़ी में से ब्याह के लाई थी। अरे राजेश बेटा, मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है, तू चल मेरे साथ, मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। माँ अपना एक काम करो, आप भारती को ले जाओ, उसे कुछ सामान लेना होगा वो भी ले लेगी, और वैसे भी सारा दिन तो घर बैठी रहती है, थोड़ा सा घूम भी आएगी। हाँ ये भी सही है, बुला ले भारती को। भारती, भारती। हाँ भारती, तुम ना मम्मी के साथ बाहर चले जाओ और थोड़ी सी शॉपिंग भी कराना, इसी बहाने थोड़ा घूम भी आओगी, है ना? ठीक है। हाँ। चलो बहू। ठीक है माँ जी। मैंने कहा था ना शाम तक वेट करो, तो लो वो वही शाम और आ गया मैं। अच्छा, अगर इतना ही पास रहना था तो मुझे अपने भाई से शादी ही क्यों करने दी? कॉलेज में तो बड़ा प्यार जताते थे, और शादी के वक्त मुझे ही अपने भाई को सौंप दिया। ग्रेट बेबी, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, और चाहे तुम बीवी किसी के भी रहो, पर रहोगी तो मेरी बाहों में। अरे हटो, घर में कोई देख लेगा। मेरी छोटी बहू के हाथों में तो जादू है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। चलो कम से कम एक बहू तो काम की मिली मुझे। सुनिए, आप खा क्यों नहीं रहे हो? सुनिए राजेश। हाँ माँ। ध्यान कहाँ है तेरा? तेरी बीवी तुझे कुछ पूछ रही है। खाना तो बहुत टेस्टी बना है माँ, सच में आज तो मैं 3-4 रोटी खा जाऊंगा। Thank you.
माँ जी, मैं ये सामान अपने रूम में रख के आती हूँ। ठीक है बाबू। अरे भारती, तुम कब आई? मैं अभी आई। आप यहाँ? अरे वो मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे बाथरूम में आके नहा लेती हूँ। अच्छा सॉरी देवर जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। ठीक है। से अभी आकर मिलो। मालती, क्या हुआ, तुमने इतनी रात में क्यों बुलाया? राजेश, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये क्या हुआ है? राजेश, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ राजेश, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो खुशी की बात है ना? इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, पर मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। ये मेरे पति का नहीं, तुम्हारा बच्चा है राजेश मेरे पेट में। तो उन्हें शक हो जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझो तुम। इधर आओ, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। माँ, अब यहाँ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? माँ, भाभी बहुत परेशान थी ना, तो मैं उन्हें बता रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, आखिरकार तुमने मुझे वारिस दे ही दिया, और खबरदार जो किसी ने भी इस बच्चे को गिराने के बारे में सोचा भी कि बच्चा किसी गैर मर्द का नहीं बल्कि इस खानदान का ही खून है, हमारा वारिस है। और ये बच्चा किसका है, ये राज इस रात के साथ बीत जाना चाहिए। ठीक है, अब तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मालती बेटा, तूने जो किया वो बहुत गलत था। मैं चाहती तो तुझे इसकी सजा भी दे सकती थी, लेकिन अभी मेरे लिए मेरा होने वाला पोता ज्यादा मायने रखता है। लेकिन आगे ध्यान रहे, कोई गलती नहीं। वैसे मैंने कमल को बुलाया है, ध्यान रहे, कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए।
से ये बताना कि ये बच्चा उसी का है। तू फिक्र मत कर, मैं सब संभालूंगी। लो, कमल भी आ गया। आ जा बेटा। आजा बेटा। माँ जी कह रहे। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा वैसे यूँ अचानक बुला लिया आपने। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, और आप मुझे कुछ बताने वाली थी। आप बताने तो वाली थी। कोई सरप्राइज है क्या? बिल्कुल सरप्राइज है। क्या? बताते हैं, तू भी आराम से बैठ, पानी वानी पी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे मालती तू रहने दे, मैं पानी मंगवाती हूँ। भारती, अरे भारती पानी लाना। जी माँ जी। और कैसी है तेरी तबीयत, सब ठीक है ना? हाँ, खाना वाना खाता था या नहीं? अच्छा माँ, आप बताइए कौन सी कुछ खबरी है? देख तो मालती कितना उतावला हो रहा है जानने के लिए। बेटा बात ये है कि तू। अरे माँ जी, अभी अभी तो आए हैं, बहुत थक गए होंगे, आप आराम कर लीजिए और मैं ना इन्हें आराम से बता दूंगी, ठीक है? हाँ माँ, वैसे थक तो बहुत गया हूँ, मैं अपने रूम में चलकर आराम करता हूँ। अभी अभी आए हो और आते ही शुरू हो गए। मालती, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे बीता है। ये क्या कर रही है मालती? तेरी जेठानी यहाँ काम कर रही है और तू वहां आराम से बैठी हुई है। माँ जी रहने दे, मालती तू आ मेरे साथ। आ तू बैठ यहाँ आराम से। अरे बैठ बैठ जा। आज इनको बता ही देती हूँ। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? मालती, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे भी आपको कुछ बताना है और आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ। आप पापा बनने वाले हो। कमल, मेरे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है।
और भैया मैं देख रहा हूं आजकल बहुत चुप चुप से रहते हो, कहीं बाप बनने की टेंशन अभी से तो नहीं होने लगी? नहीं राजेश, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप टेंशन लेना भी मत, आप बाप बनोगे तो मैं भी तो बाप बनूंगा। नहीं भाई, आप पापा बनोगे तो मैं छोटे पापा ही तो बनूंगा भैया। ओ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आ रहा हूं। राजेश जाओ यहाँ से। आप यहाँ क्या कर रहे हो? किचन में सिर्फ औरतों का काम होता है, आप जाइए यहाँ से और हमें काम करने दीजिए। अरे ठीक है भाई। दीदी आजकल आप और ये कुछ ज्यादा ही साथ नहीं रहने लगे? भारती, देवर और भाभी का ना रिश्ता ही ऐसा होता है। कहीं भाभी को अपने पति से ज्यादा देवर पे प्यार तो नहीं आ रहा? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहने का चाहती हो कि आपकी देवर जी आपकी खूबसूरती को देख के फिदा ना हो जाए? भारती तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है और तुम कुछ भी बकवास करती रहती हो। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। मालती, ठीक है बेटा? हाथ जला तो नहीं? हाँ, तेरा ध्यान किधर है? हाँ, अभी ये गिर जाती है, इससे कुछ हो जाता तो। अरे बड़ी आराम से खड़ी खड़ी चाय पी रही है, किचन में बहुत काम पड़ा है, जा वहां पर। मालती बेटा चल, मैं तुझे कमरे में ले जा। जी माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलना है तो बोल, वरना पैर दबाती रहे। माँ जी मुझे लगता है जेठानी जी और इनका मतलब नजदीकियाँ काफी ज्यादा है, तो मैंने इन दोनों को साथ में काफी बार देखा है। क्या कहा तूने? तेरे दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे? दोबारा अगर ये बात तेरे मुंह पे भी आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अपना खाली दिमाग मत चला, चुपचाप अपने हाथ चला और मेरे पैर दबा। खुद तो मुझे कोई वारिस दे नहीं पाई और अब मालती पेट से है तो उस पर कीचड़ उछाल रही है। एक बात कान खोल के सुनिए, इस घर में वही रहेगा जो इस घर को वारिस देगा, चाहे कैसे, समझी? पैर दबा।
बात कान खोल के सुनिए। इस घर में वही रहेगा जो इस घर को वारिस देगा, चाहे कैसे भी। ये तो माँ की आवाज है। माँ, माँ, मेरे भगवान, माँ, क्या हुआ माँ? हे भगवान मेरे, पता नहीं कौन पीछे से मार के भाग गया, मैं देख ही नहीं पाई। हे भगवान मेरे, पर बाहर तो कोई भी नहीं है। फिलहाल ये सब छोड़ो और माँ जी को अंदर लेकर चलो। हाँ, चलो अंदर लेकर चलो। चलिए तुम उधर से मुक्त हुई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा। माँ जी, आज रात की डांडिया फेस्ट में आप भी चलोगी ना? हाँ चलूंगी ना, क्यों नहीं चलूंगी, और मालिश से थोड़ा आराम भी मिल रहा है मुझे, बिल्कुल चलूंगी मैं। माँ जी, माँ जी आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको ले चलती हूँ। कमल, देखो ना कैसी लग रही हूं मैं। अच्छी लग रही हो। हाय माँ जी। कमल, राजेश, माँ क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं किसने मेरे दरवाजे के बाहर तेल गिराया था। कौन मेरी जान का दुश्मन है? ठीक है माँ, हम गरबा फेस्ट में नहीं जाएंगे, चलिए। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आराम कर लेती हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है, चलिए अंदर लेके चलते हैं माँ को। Thank you.
माजी, माजी उठिए, मैं अपनी चाय लाई हूँ। माजी उठिए, माजी, माजी, माजी उठिए, माजी, कमल, माजी, कमल। क्या हुआ भारती? माजी, कमल, कमल, माजी। माँ, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, मैं पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। मिस्टर राजेश जी, सर मैंने फोन किया था आपको, आइए। सर सुबह सुबह मेरी बीवी मालती माँ जी को चाय देने के लिए आई थी, उसने देखा कि माँ की लाश पड़ी हुई है। आपको किसी पर शक है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कांस्टेबल, एम्बुलेंस को बुलाओ, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और हाँ फॉरेंसिक को भी कॉल करो। अच्छा, कल रात जब खून हुआ आप सब लोग कहाँ थे? सर कल हम सब लोग रात को डांडिया फेस्ट में गए थे और उसके बाद डायरेक्ट वापस आके सो गए। सर भारती घर आई थी एक बार, लेकिन शायद उसने कुछ देखा नहीं। ये झुमका किसका है आप लोग पहचानते? सर ये तो भारती का झुमका है। भारती जी, ये आपका झुमका? यस सर। आप कल रात घर पे भी आई थी और आपका झुमका भी सीढ़ियों में बड़ा मिला है। कांस्टेबल इन्हें ले चलो, बाकी की पूछताछ हवालात में होगी। सर मैंने माजी का मर्डर नहीं किया। सब सब मेरी बात सुनिए। लेके जाओ इन्हें। पर सर एक बात तो, मैंने कभी सोचा नहीं था माँ मुझे ऐसे छोड़कर चली जाएगी। देखिए कमल, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आप हिम्मत रखिए। हम माजी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ हम उनको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर कमल। इंस्पेक्टर सर, भारती ने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट तो तब करेगी ना जब उसने जुर्म किया होगा। क्या मतलब इंस्पेक्टर? मैडम मतलब भी समझ में आ जाएगा, आपको भी और आपके पतिदेव को भी। सर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, दिखाना चाहता हूं। मैं माजी को देखने आई थी और उस वक्त भैया को खून करता देखा, रिकॉर्ड कर लिया था, किसी को बताया नहीं क्योंकि मैं खुद भी माजी को मरा हुआ देखना चाहती थी, क्योंकि वारिस की चाहत में उन्होंने मेरे साथ भी गलत किया था। तो भैया आपने किया माँ का खून? क्यों? अरे क्या बिगाड़ा था माँ ने आपका? क्योंकि वो माँ कहलाने लायक नहीं रही थी, और इस सारे फसाद की जड़ तू और मेरी ये धोखेबाज बीबी है। माँ मुझे आपको कुछ बताना है। अरे अब तू सिर्फ बाप बनने की तैयारी कर। माँ मैं बाप नहीं बन सकता।
कैसी बातें कर रहा है? तेरी बीवी पेट से है और तू कह रहा है तू बाप नहीं बन सकता? माँ, उसके पेट में किसी और का बच्चा है, उसका जरूर चक्कर चल रहा है कहीं बाहर। पागल हो गया है तू? अपनी बीवी के बारे में यूं गलत गलत बातें करता है हा? क्योंकि माँ, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मैं बाप नहीं बन सकता, और ये औरत किसी और की गंदगी हमारे नाम करना चाहती है। हमें ये बच्चा गिराना होगा माँ। पागल मत बन कमल, ये बच्चा हमारे ही खानदान का खून है। क्या मतलब? ये बच्चा तेरे भाई राजेश का खून है, हमारे खानदान का वारिस। मतलब आपको सब कुछ पता था और तब भी आपने ये सारी बातें छुपाई मुझसे? लेकिन मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए माँ। तू पागल हो गया? देख, डॉक्टर ने भी तुझे कहा है कि तुझे बच्चा नहीं मिल सकता। चुपचाप इस बच्चे को अपना ले, वरना दुनिया तुझ पे हंसेगी। सर, मेरा ये धोखेबाज भाई मेरी पीठ पीछे मेरी बीबी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, और ये बात मेरी माँ भी जानती थी। जब मैंने माँ से इस बारे में बात की तो वो उल्टा मुझे चुप रहने के लिए कहने लगी। सर, वो माँ कहलाने लायक नहीं रही थी, इसलिए मार दिया मैंने उसको। बेशक उन्होंने किसी अपराध में साथ दिया होगा, लेकिन तुमने भी बड़ा गुनाह किया है, और इस गुनाह की पूरी सजा तुम्हें कानून देगा। तुम अब एक खूनी हो, लेके चलो इसे।